ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है देश के सबसे आधुनिक और अलग शो मंडी.com में। मंडी.com में अब वक्त हो गया है खेती के सिकंदर का। खेती के सिकंदर की खोज में आज हम नासिक जिले के दिंडोरी में एक आश्रम में पहुंचे हैं। ये आश्रम देश के उन हजारों छोटे छोटे केंद्रों में से एक है जो बिना किसी सरकारी सहायता के कृषि के क्षेत्र में नए नए शोध कर रहे हैं और अपने प्रभाव क्षेत्र में मौजूद किसानों को भी इनसे रूबरू करा रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन स्वामी समर्थ आश्रम के 12 एकड़ में फैले इन खेतों में जो सब्जियां, अनाज, फल और औषधियां पैदा होती हैं, वो केवल ऑर्गेनिक ही नहीं सात्विक भी होती हैं। जी हाँ, क्योंकि इन्हें वंशी की धुनों, भजनों और वैदिक मंत्रों के साथ पाला जाता है। और आश्रम के संचालकों की माने तो न केवल इससे खेतों की उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है, बल्कि इन उपजों की पौष्टिकता भी इससे बढ़ती है। नासिक शहर से इंदौर की तरफ निकलने पर करीब 35 किलोमीटर आगे ढिंडोरी में ये है स्वामी समर्थ आश्रम। आध्यात्म की शिक्षा तो यहाँ मिलती ही है, लेकिन इस आश्रम ने आध्यात्म के साथ खेती के मामले में किसानों को समृद्ध किया है। स्वामी समर्थ आश्रम में खेती की ये प्रयोगशाला 12 एकड़ में फैले खेतों में चलती है। इस आश्रम में करीब 35 प्रकार की सब्जियां, अमरूद, अनार और स्ट्रॉबेरी जैसे कई फल और गेहूं, उड़द, मूंग और चना जैसे अनेक प्रकार के अनाज पैदा होते हैं। सारी फसल पूरी तरह से प्राकृतिक तरीकों से ही तैयार की जाती है। फसलें तो तैयार होती ही हैं, इसी के साथ आश्रम से जुड़े करीब 2500 किसान भी बेहतर खेती के लिए तैयार होते हैं। हमारे श्री स्वामी समर्थ सेवा मार्ग दिल्ली से किसानों के लिए एक अलग सेक्शन कृषि विभाग से, तो वहाँ से हमारे अलग अलग कार्यक्रम चलते हैं। उसके खेती के लिए जो जोड़ व्यवसाय जो बोलते हैं कि जैसे दूध व्यवसाय है, जैसे मशरूम का है, ऐसे अलग अलग 100-150 प्रकार के बिजनेस जो एग्रीकल्चर कनेक्टेड है, तो उनको हम फ्री में ट्रेनिंग करके देते हैं और जो हमारे हिसाब से जो करेगा उसको हम मार्केट में अवेलेबल कर देते हैं। इस आश्रम में प्रशिक्षण का मतलब किसानों को ये बताना है कि खेती से कैसे मुनाफा कमाया जा सकता है, और इस योजना में ऑर्गेनिक तौर तरीकों का इस्तेमाल एक अहम भूमिका निभाता है, और वो भी बेहद कम खर्च में। मंडी.com की टीम को जहां हरियाणा के स्ट्रॉबेरी उत्पादक एक किसान ने प्रति एकड़ 5 लाख रुपए की लागत बताई थी, वहीं यहां ढिंडोरी आश्रम की खेती की देखरेख करने वाले ऋषि श्रीराम मोरे के मुताबिक 10 रुपए लागत वाला स्ट्रॉबेरी का एक पौधा 3 किलो तक फल दे देता है, जिसे 200 रुपए के भाव से बेचकर 600 रुपए की कमाई हो सकती है। भारत भर के छात्र जितने ऑर्गेनिक एक्सपर्ट्स हैं, हम सबसे मिलकर जितने उसके पास उन्होंने जो अनुमति दी है, हम वो लेकर और इतना बढ़िया अनुभव हमारा भी हो गया है कि हमें कोई भी अभी दिक्कत नहीं आती और 100% वो ऑप्टिमल है। एक आपका खर्चा भी बचता है और दूसरा ज्यादा फल प्रोडक्शन भी बढ़ता है। आश्रम में जैविक खेती के लिए खाद और कीटनाशक बनाने की कई इकाइयां हैं। जहां आश्रम के गौशाले में मौजूद गायों के गोबर और गोमूत्र के अलावा यहां पाए जाने वाली नीम, कनेर और पपीता जैसी कई वनस्पतियों का इस्तेमाल किया जाता है। गोबर और बचे हुए खाने का इस्तेमाल कर कंपोस्ट और बायोगैस बनाई जाती है। ये इकाइयां न केवल आश्रम के खेतों में डाले जाने वाले ऑर्गेनिक खादों और कीटनाशकों को बनाने के काम आते हैं, बल्कि किसानों के लिए प्रशिक्षण उपकरण का भी काम करते हैं। जैविक खाद और जैविक पेस्टिसाइड बनाने के यूनिट है। यहाँ पे हम 10 अपर्म्यार्क बनाते हैं। 10 अपर्म्यार्क ऑर्गेनिक जो जानवर जिस 10 पेड़ के पत्ते हैं, जो उसमें कुर्मी में कनेर है, एरंड है, पपई है, पपीता जिसे बोलते हैं हम, कनेर है, रुई है, ऐसे 10 प्रकार के पौधे, उनके पत्ते निकाल के उसको 1 महीने के लिए पानी में डाल के उसमें 200 लीटर पानी, 30 लीटर गाय का देसी गाय का गोमूत्र है, उसको 1 महीने के लिए सड़ने के लिए रख देते हैं। और सड़ने के बाद में उसको फिल्ट्रेशन करके स्टोर कर देते हैं। ये 100 लीटर पानी के लिए 3 लीटर 10 अपर्म्यार्क लिया तो हर प्रकार वो फंगिसाइड और बुरसीनाशक पेस्ट कंट्रोल का काम करता है। ऑर्गेनिक खाद
और रासायनिक कीटनाशक के इस्तेमाल से बचने के पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी फायदों को नजरअंदाज कर दें, तो भी केवल फायदे और बिजनेस के लिहाज से किसानों के लिए इनका असर जबरदस्त है। एक ओर तो खाद और कीटनाशक के आदि होते खेतों में इनकी मात्रा हर साल बढ़ती जाती है और दूसरी ओर बढ़ती महंगाई से किसानों का सारा मुनाफा खाद और कीटनाशक कंपनियों की भेंट चढ़ जाता है। ऐसे में खेतों, घरों और पशुधन से निकले कचरे का इस्तेमाल कर बनाए गए ऑर्गेनिक खाद और कीटनाशक किसानों के लिए मुनाफे की एक शानदार रेसिपी तैयार कर सकते हैं। गाय जो है इसका जो गोबर निकलता है उससे हम लोग जीवामृत तैयार करते हैं, इससे हम खेती में उसको यूज करते हैं और ऐसा सूखा भी डालता है, क्योंकि प्याज का जो फसल है उसको गोबर सबसे अच्छा फार्मूला है। गोबर से दूसरा कुल डालने की जरूरत नहीं, इसको गोबर चाहिए प्याज को। और इसका जो लिक्विड है गोमूत्र जो है इसको ऊपर से हम आर्क है वो गोमूत्र आर्क डालते हैं, क्योंकि इसका जो कीटनाशक जो है वो बारीक बारीक कीड़े मर जाते हैं। किसान ये मानते हैं कि रासायनिक खादों और कीटनाशकों का इस्तेमाल बंद करने से बहुत सी फसलों का उत्पादन भी कम होता है, लेकिन इनका कहना है कि लागत में आने वाले खर्च को एडजस्ट कर वो मुनाफे में ही रहते हैं। जो आश्रम से हमको पहले आर्कोड जीवाणु बैक्टीरिया की थ्योरी हमको दे के ट्राई के लिए वो हमने की, तो हमको जो इसका सबको बुला के एक प्रशिक्षण दिया गया कि जो जीवाणु बैक्टीरिया की थ्योरी कैसे बनाने की, वो कौन से टाइम में छोड़ने की, उसका टेम्परेचर को कुछ करने पड़ता है, ज्यादा टेम्परेचर में नहीं, कम टेम्परेचर में नहीं, डेमो किया वो एकदम 100% सक्सेसफुल होगा 100%। तो उसके बाद हमारे 50 लोग गांव के जो ग्रुप है उन्होंने हमने वो साथ में आके तो 10 लोगों ने जो कुछ पत्तियां है वो जमा करके उस स्प्रे के लिए यूज की, और जो बाकी जो पंचामृत 10% आर्क का हो गया उसके बाद जीवाणु बैक्टीरिया का जो है मिश्रण वो घर में डाली, दाल का बेसन पीट गोमतीर कुछ सब डाल के, और उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेड जो गुड़ वो एक प्रमाण रहता है उस हिसाब से डाला, उसका स्टोरी अपने इसमें किया, और जो केमिकल का जो है धीरे धीरे हम करते कम करते जा रहे हैं। अंगूर के लिए जो दवाई लगती है वो बहुत कॉस्टली है, और अपना ऑर्गेनिक यूज किया तो उसमें से खर्चा 25% ही खर्चा आता है। मैंने कुछ केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डाला, कोई पेस्टिसाइड नहीं डाला, कोई भी केमिकल उसको नहीं डाला, खाली जो ऑर्गेनिक है बचपन में डाला उसको, जीए नहीं यूज किया, खाली अपना जो प्रेसमड रहता है गोबर रहता है वही डाला, इसलिए वो अच्छा, उसकी क्वालिटी भी अच्छा है और जो टेस्ट है वो टेस्ट बहुत बढ़िया। और सबसे अच्छी बात ये है कि धीरे धीरे ऑर्गेनिक सब्जियों और फलों की मांग भी बढ़ने लगी है, जिसका सीधा फायदा उन किसानों को हो रहा है जो रासायनिक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग बंद कर चुके हैं। प्याज उत्पादन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध नासिक में किसानों के पास ऐसी कई कहानियां हैं जब सामान्य प्याज के मुकाबले ऑर्गेनिक प्याज को दोगुनी तक कीमतें मिलती हैं। मैं पिछले 35 साल से खेती कर रहा हूँ, लेकिन ये पिछले पाँच छह साल से ऑर्गेनिक खेती की तरफ स्वामी समर्थ सेवा मार्ग में आने के बाद हमें ऐसा समझ में आया हम जो कर रहे थे वो गलत कर रहे थे, लेकिन अब जब ऑर्गेनिक का रिपोर्ट हम खुद बनाते और खुद हमारे खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं, उससे ऐसा हुआ कि हमारा खर्चा कम से कम 50-60% कम हुआ, जो इनपुट आ रहा चाहिए उसमें भी 15-20% बढ़ गया, लेकिन मेरा मुनाफा जो है वो 70% तक बढ़ गया, क्योंकि मेरा जो खर्चा था 50% खर्चा पहले ही कम हो गया, तो मतलब 50% मुनाफा मुझे पहले ही हुआ। और आश्रम के ग्रुप से जुड़े किसानों के लिए यहाँ अब एक नया ब्रांड भी लॉन्च किया गया है, जिसके तहत ऑर्गेनिक उत्पाद बेचे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस ग्रुप में ऐसे भी किसान हैं जो अपने उत्पादों की प्रोसेसिंग कर ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। आश्रम परिसर में बने छोटे से मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में ये उत्पाद बिकते हैं और किसानों को फायदा कमाने का नया रास्ता भी बताते हैं। यहाँ 12 एकड़ में फैले इन खेतों में फलों, सब्जियों और अनाजों की सैकड़ों प्रजातियां उगाई जाती हैं। केवल इस ग्रीन हाउस के अंदर 1200 तरह की वनस्पति औषधियां उपजाई जाती हैं। ये किसानों के लिए खेती का एक फायदेमंद फॉर्मूला तैयार करती हैं। लेकिन साथ ही मशरूम और एक्वेरियम मछलियों की ब्रीडिंग की जो ट्रेनिंग यहाँ दी जाती है वह इस जगह को स्टार्टअप कंपनियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाती है।
डिंडोरी से अनिल वत्स के साथ मंडी.com के लिए भुवन भास्कर। अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि इस आश्रम में और खेती किसानी को लेकर क्या क्या शोध कार्य चल रहे हैं और साथ ही ये भी बताएंगे कि किस तरह इन्हें आप भी अपनी खेती में आजमा कर अपना फायदा बढ़ा सकते हैं। वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद NCDX पाठशाला में समझेंगे ऑनलाइन मंडी की बारीकियां।